श्री राम। राम अपन भाइलो के अच्छा अच्छा बात बतावे ले और उ तीनों ओकर हर बात माने ले। देखब अभी चारों उठ की सबसे पहले सूर्य वंदना करी है। और सूर्य वंदना कैला के बाद चारों दौड़ल दौड़ल यहाँ आ जाई हैं। पिताश्री, आयुष्मान भव। प्रणाम माश्री, कल्याणमस्तु। प्रणाम मा, शुभम भवतु। तू चारों हमनी के पांच प्राण हवा, हमनी के प्रेरणा हवा, हमनी के जीवन हवा, जुग जुग जिया। राम, हमने क्या आज्ञा दी पिताश्री, बाकी तो सब जा कहाँ रहल बड़ खेले। जा पुत्र जा। राम भैया के हा। कैसे ई आम भारत के बांध तोड़ ले हो? ना, ई आम राम भैया के बांध तोड़ ला सा। राम भैया के बांध कभी व्यर्थ ना जाला। ना, ई आम भारत के हो शत्रुघ्न। क्रोधित काहे होताड़ा लक्ष्मण? भैया ई आम राउर है, शत्रुघ्न झूठ बोल रहल बा। जौन हमारा उ के कर है लक्ष्मण? हमने चारों भाई के फिर झगड़ा काहे खातिर? आम चाहे राम लेके आवे चाहे भरत, खाइब त हमनी चारो ही। भरत जा, आम इकट्ठा कर ल। राम हमेशा ऐसा नहीं करेला। राम की खुशी अपन भाई सबके खुशी में ही बा। जीत होकर हो खेला, परंतु जीत के माला वो अपन भाई सबके गला में डाल देवेला। सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के सामने तार आदर्श बा जिसे तू समर्पित जीवन जिए लू। ई दुने भी तहरे तरह जियल चाहता रे। हाँ दीदी, लक्ष्मण अपना आपके राम के समर्पित कर देले बाड़े और शत्रुघ्न भारत के। भरत बेटा आ गईला तू? हाँ, काहे? आवा 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 हमरा साथ। ना आवा, हम कहीं ना जाए, हम खेल खेल के बहुत थक गए नहीं है। ना बेटा, हम तरह खेले खातिर ना, हम तरह के कुछ दिखावा चाहता नहीं। हाँ आवा आवा आवा। इता अयोध्या के राज्यसभा के भवन बा। तू तब बहुत कुछ जानेला, तब तक तू इहो जाना थोखत कि इहे बैठ के महाराज दशरथ आपन आमात्य, आपन उत्तराधिकारी
और विद्वान सबसे विचार विमर्श कर अयोध्या पर राज करे ले। हाँ हम जाने ला, ई बतावे खातिर तू हमरा की यहाँ लाइल बड़ू। हम ता तहरा के एहे से एहजा लाइल बानी कि एक दिन तहरा के इहे अयोध्या पर राज करे के बा, इहे सिंहासन पर बैठ के। ई तो पिताश्री के सिंहासन है, हम एकरा पर कैसे बैठ सकता नी? अभी ना, तब जब जब तू अयोध्या पति बन जाइबा। मंत्रा तू इतना भी ना जाने लू, राजा उहे बनेला जी युवराज होखेला। ठीक बा, हम तहरा के युवराज बना दे। ना, युवराज भी राम भैया बनी है और राजा भी, वो हमनी सबसे बड़ हवे, वो उनके अधिकार हा, हमार ना जानत बाड़ू। माँ हमरा के हमेशा एक के शिक्षा देवेली कि बड़ भाई पिता समान हो खेला, हमरा उनके पिता समान ही आदर करे के चाही। यदि हम इस सिंहासन पर बैठे के इच्छा भी कहनी तो ई राम भैया के अपमान होखी, जौन हम कबो ना करब, कबो ना। भरत, 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 ओफो, तू सब बच्चा के इतना जल्दी काहे बड़ होखे के? यहाँ आवा, बैठा। का करबा बड़ा होके? पिताजी की सहायता करब। अच्छा, तू बच्चा लोग उनकर का सहायता करब? पता बा, राजा के बहुत काम होखेला, बहुत उत्तरदायित्व होखेला राजा के। जैसे? भरत, एकर उत्तर हम तोहरा के देता नहीं, हम्म? आवा पुत्र, हमार गोदी में बैठा। राजा के बहुत सारा कर्तव्य होखेला, जैसे राज्य के रक्षा कईल, आपन प्रजा के हित के बारे में सोचल, उनकर आवश्यकता जानल और फिर उनकरा के पूरा कईल। प्रजा के आवश्यकता रउवा कैसे जानीला? का रउवा प्रजा से मिलीला? प्रजा के सुख दुख जानल त हर राजा के धर्म होखेला पुत्र। आपन धर्म के निभावे खातिर राजा के अपन प्रजा से मिले के ही चाहिए और उनकर सुख और दुख के भागीदार बने के चाहिए। तो का हम अपन प्रजा से मिल सकता नहीं पिताश्री? हम रउवा जैसन राजा बनल चाहता नहीं। काहे ना पुत्र, कल त्योहार के दिन है, कल प्रजा खुशी मनाई, तू चारों भीलों के साथ खुशी मनावा। हमनी राजमहल से बाहर जाए। माँ, कल हमनी राजमहल से बाहर जाए। माँ, कल हमनी राजमहल से बाहर जाए। राम भैया, कल हमनी राजमहल से बाहर जाए। आई ना राम भैया, कल हमनी राजमहल से बाहर जाए। अरे धीरे धीरे। महाराज, काल वसंत के त्योहार है, अयोध्या में जगह जगह बहुत भीड़ होखी, हमनी के राजकुमार तो। महारानी, हमनी के राजकुमारन के अपन प्रजा से मिले के एकरा से अच्छा मौका ना मिली। सुमंत जी, महाराज, काल तू चारों राजकुमार लोग के अयोध्या के बसंत उत्सव दिखावे के तैयारी कर। जैसन राउर आज्ञा महाराज। आर्य सुमंत जी, राजकुमार, वो बूढ़ी स्त्री के देख रहा बानी। जी राजकुमार, वो रथ के पास आवल चाहतारी। हाँ राजकुमार, उनका क्या आवे दी? सैनिक लोग वो माता के आवे द। राम से मिले के बा, रास्ता दा, रास्ता चलो चला रे, रास्ता दा, रमनियों के मिले के बा, राम से मिले के बा, जा रास्ता हट दा, जा जा रास्ता दा। माता,
हम राम के तिलक लगेंगे। चारों राजकुमार के जय। चारों राजकुमार के जय। का भइल पूरा अयोध्या खुशबा, तू काहे रो रहल बाड़? हमार दादाजी। का भइल तहार दादाजी के? हमार दादाजी के ठीक कर दा, हमार आर क्यों नहीं खे? रो मत। राम रवा सुंदर की चिंता मत करी, हम वचन देता नहीं एकर पूरा देखभाल होखी, एकरा कभी भी कौनो भी वस्तु के कौनो कमी ना होखी। लेकिन विश्वास करी, राम के वचन कभी झूठा ना होखे। दादाजी तू हमार चिंता दूर कर देला, अब हमार एगो इच्छा और पूरा करता। कहीं जब तक हमार प्राण नहीं निकलत तू यहाँ हमरा पास हमरा सामने खड़ा रहा, हम तुम्हरा के देखत देखत प्राण त्यागल चाहता नहीं। दादाजी, 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 दादाजी। राजकुमार राम, हमरा प्रसन्नता बा रउआ उहे कहनी जौन एगो राजा के धर्म ह। सुंदर बेटा, आज से तू अयोध्या के धरोहर बड़ा, तहार देखभाल हमनी करब। सिपाही लोग, इनकर दाह संस्कार विधि पूर्वक कहल जाए। आई पिताजी, हमार मन में एगो प्रश्न बा, पूछी? अवश्य पूछा पुत्र। ये मृत्यु का होखेला? जब आत्मा शरीर के छोड़ देवेले तो शरीर निष्प्राण हो जाला, ओकरे के मृत्यु कहल जाला। और जन्म? जब आत्मा नया शरीर धारण करेला तो ओकरा के जन्म कहल जाला। जीवन? जन्म और मृत्यु के बीच जोन अंतर बा ओकरे के जीवन कहल जाला। पिताजी, मृत्यु के बाद सुंदर के पिताजी कहाँ गए लोखी हैं? प्रभु के पास। हमनी सब परमात्मा के ही अंश बानी। हर केहू ये पृथ्वी लोक पे एगो निश्चित कार्य और निश्चित कार्यकाल खातिर जन्म लेवेला। जब ओकर कार्य और कार्यकाल समाप्त हो जाला तब वो अपन शरीर के त्याग के परमात्मा के पास चल जाला। जीवन में वो जे भी कर्म करेला, अच्छा बुरा, ओकर फल भुगते खातिर फिर वो नया जन्म लेवेला, फिर ओकर मृत्यु होखेले, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, और ये चक्र तब तक चलत रहेला जब तक ओकरा मुक्ति ना मिल जाए। सुंदर कितना रोयलस पिताजी, आपन लोग से बिछड़े के बहुत दुख होखेला ना? राम, यह पृथ्वी लोक पे हर वस्तु नाशवान बा, यहाँ सूर्य उदय भी बा और सूर्य अस्त भी, वही प्रकार यहाँ जीवन भी बा और मृत्यु भी। सारांश शिवा पुत्र कि हर वस्तु विनाशी बा,
यदि कुछ अविनाशी बा तऊ बा परम आत्मा, केवल परम आत्मा। और एक न एक दिन का हमार मृत्यु भी होगी पिताजी। जय श्री राम।